तो मैंने कैसे आपको साउंड रिकॉर्डिंग करनी है, प्रोफेशनल साउंड रिकॉर्डिंग जिसमें कि रिकॉर्डिंग आप करते हैं तो उसे एडिट भी कर सकते हैं और साथ ही में उसका रिनेम भी कर सकते हैं और साथ ही में उसको स्ट्रीम करना चाहते हैं नहीं काटना चाहते हैं ट्रिम करके तो आप उसे काट भी सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कैसे आपको प्रोफेशनल साउंड रिकॉर्डिंग करनी है वीवो T3 5G में। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ले चलता हूँ फोन डिस्प्ले पे। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कीजिएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग करके ऑप्शन आपको दिखा रिकॉर्डर, तो सिंपली रिकॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस होगा होम पेज, तो सिंपली क्या करना है यहाँ पे चलिए मैं एक वॉइस रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। देख लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो सिंपली यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सिंपली टिक कर देने की। टिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है, काफी सारे आपको ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जिसके यहाँ पे डिलीट का, एडिट का, रिनेम करना चाहते हो तो रिनेम कर सकते हैं, उसके बाद स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो स्पीड भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, उसका यहाँ पे वॉल्यूम दी हुई है, उसका यहाँ पे ऊपर में सेटिंग्स दिख रहा हो, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कट करने का भी ऑप्शन आती है, डिलीट का भी, रिनेम का, उसको मोड पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे रिंगटोन भी सेट कर सकते हैं, फाइल साइज भी देख सकते हैं। तो काफ़ी कमाल की है, यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग कहाँ पे सेव होता है वो ये भी याद देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरनल स्टोरेज, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड न्यू रिकॉर्ड वन, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग कहाँ पे सेव होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए मैं यहाँ पे फाइल ओपन करता हूँ, जैसे देख लीजिए मैं यहाँ पे फाइल ओपन कर लिया, इंटरनल में जाता हूँ, चलिए मैं इंटरनल स्टोरेज में जाता हूँ और यहाँ पे ऑटो रिकॉर्डिंग करके ऑप्शन रिकॉर्डिंग देख लीजिए, रिकॉर्डिंग पे क्लिक कीजिएगा रिकॉर्ड पे, और यहाँ पे अभी मैं रिकॉर्ड किया तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी सेव हो गया वीवो T3 5G में। तो इससे यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी सेव कर सकते हैं और साथ ही में साउंड रिकॉर्डिंग भी कर सकते।